नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको आयुर्वेद की जानकारी देते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे अरबी के नुकसान के बारे में। जी हाँ, अरबी के नुकसान। अभी तक आपको लगता होगा कि अरबी आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। आखिर हो भी क्यों ना हो, अरबी के आप पकौड़े जो बनाकर खाते हैं, अरबी की सब्जी भी आप लोग खाते हैं, कई जगह पर व्रत और फलाहार के रूप में भी आप अरबी का सेवन करते हो। अरबी में कई प्रकार के प्रोटीन, फाइबर और पोटेशियम कैल्शियम की मात्रा होती है। अरबी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी पाए जाते हैं, जो आपको एक नहीं बल्कि कई बीमारियों से भी बचाती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अरबी खाने के नुकसान के बारे में। जी हाँ, अरबी व अरबी के पत्तों की सब्जी खाने से इंसान को अस्थमा रोग लग सकता है। इसके अलावा अरबी का पौधा कच्चे रूप में ना खाएं, क्योंकि इसका पौधा जहरीला होता है। दोस्तों, जिन लोगों को वात संबंधी समस्या रहती है, वे लोग अरबी का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा करना उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं किन लोगों को अरबी नहीं खानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, खांसी में अरबी का सेवन ना करें, या फिर यदि आपको खांसी होती हो तब भी आपको अरबी का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपके घुटनों में दर्द होता हो या फिर आपको दर्द की शिकायत हो, आप अरबी खाना बंद कर दें। अरबी का सेवन करने से गैस संबंधी समस्याएं होती हैं। जी हाँ, इसीलिए जो लोग गैस संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, वे अरबी का सेवन बंद कर दें। दोस्तों, गर्भ अवस्था के बाद अरबी का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर हानिकारक और विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बाद अरबी ना खाने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। कच्चे अरबी खाने से आपको मुंह संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अरबी की अधिक सब्जी खाने से आपको माइग्रेन की समस्या भी हो सकती है। अरबी आपकी सेहत पर एक और तरीके से गलत प्रभाव डालती है, वो है कि अरबी आपकी आंखों को कमजोर करती है। जी हाँ, अरबी में पाए जाने वाले तत्व आंखों की समस्या को पैदा करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।